एक बार फिर से मेरे न्यूज चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षकों के लिए वेतन संबंधी सूचना यानी एसएस मद के अलॉटमेंट से संबंधित सूचना, क्योंकि इससे पहले मैंने परसों एक अपडेट किया था कि एसएस मद का राशि 2 से 3 कार्य दिवस में सभी जिला को जिलावार आवंटित कर दिया गया। इससे संबंधित सूचना जानने के लिए चैनल पर बने रहे। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। जैसा कि आपको बता दें कि परसों मैंने अपडेट किया था कि 3 कार्य दिवस में सभी जिला को जिलावार आवंटित राशि हो जाएगी, यानी 3800 जिला को राशि भेज दिया जाएगा और ईद से पहले सभी शिक्षकों का वेतन होगा भुगतान। तो आज आपको बता दें कि अभी अभी राज्य परियोजना से मिली जानकारी के अनुसार 10 अरब 54 करोड़ की राशि जीओवी मद से भेजा गया है। जैसा कि आपको बता दें केंद्र मद की राशि उपलब्ध नहीं होने की वजह से राज्य मद से राशि यह भेजा गया है शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए। तो अपने पूर्व के वीडियो में भी मैंने अपडेट किया था कि राशि आने से पूर्व आप सभी विपत्र तैयार रखें, प्रखंड स्तर पर जमा कर दे और प्रखंड स्तर से जिला स्तर पर भेजवा दे, ताकि जैसे ही जिला को राशि प्राप्त हो बिना विलंब किए हुए शिक्षकों के खाते में यह राशि ट्रांसफर किया जा सके। ईद पर्व को देखते हुए, जैसा कि आप सभी यह जान रहे हैं कि यह रमजान का पाक महीना चल रहा है और ईद में मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत ही पैसा की आवश्यकता होती है, खर्च ज्यादा रहता है, सभी के लिए नए कपड़े की आवश्यकता होती है, इसी वजह से ज्यादा खर्च होता है। तो इसलिए यह राशि 10 अरब 54 करोड़ के राशि सभी जिला को आवंटित हो गया है। आप सभी जल्द से जल्द अपने अपने जिला में विपत्र जमा करवाते हुए ईद से पूर्व वेतन भुगतान कराना सुनिश्चित करें। जिस जिला में जो भी संघ कार्यरत हैं वहां के संघीय पदाधिकारी से मेरा अनुरोध है कि आप प्रयास करें कि शिक्षकों को ईद से पूर्व वेतन भुगतान हो सके। और आपको बता दें कि जीओवी मद का भी राशि इसी माह के अंत तक सभी जिला को फर्स्ट किस्त आ जाएगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।